नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। पटना में एक लड़की गिफ्ट कॉर्नर में गिफ्ट खरीदने जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब दुर्गंध महसूस होती है, और दुर्गंध ऐसी कि उसने दुकान में ही तबाही मचा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दुर्गंध किस चीज की थी, आखिर किन कारणों से दुकान में तबाही मची है। तो आपको बता दें कि ये दुर्गंध किसी और चीज की नहीं बल्कि शराब की थी। जी हाँ, जैसे ही वो लड़की पटना के एक दुकान में जाकर खरीदारी करती है, तो उसी वक्त उसे एक अजीब सी जो गंध है वो महसूस होती है। और फिर क्या था, पुलिस की तरफ से उस दुकान पर छापेमारी की जाती है और वो चीज पाई जाती है जो बिहार में प्रतिबंध है। बता दें कि शराब की खेप उस दुकान से पाई जाती है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जाती है। अब हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं कि आखिर किस जगह की हम बात कर रहे हैं, पटना के कौन से गिफ्ट कॉर्नर में जाकर उस लड़की को दुर्गंध महसूस हुआ, ये महक महसूस हुई, जिसके बाद आगे पुलिस की तरफ से छापेमारी होती है, दुकानदार को गिरफ्तार किया जाता है। इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि पटना के पत्रकार नगर में एक लड़की गिफ्ट खरीदने के लिए दुकान में गई, तो उसे कुछ अजीब गंध महसूस हुई। कुछ देर बाद उस दुकान में पुलिस का छापा पड़ा तो दुकान मालिक की पोल खुल गई। दरअसल इस दुकान का मालिक शराब का लती है और हर वक्त नशे में टुन रहता है। दूसरी तरफ पटना जिले के ही विक्रम थाना के पुलिस ने शनिवार को बाईपास सड़क से खेप से भरे एक एयर कंडीशन ट्रक को पकड़ा। हरियाणा नंबर के इस ट्रक में बनाए गए गुप्त स्थान पर शराब की बोतल छुपाई गई थी। तलाशी में ट्रक से अंग्रेजी शराब के कई कार्टन बरामद हुए। इस मामले में पुलिस ने चालक और खलासी को गिरफ्तार किया। 24 घंटे में पटना और आसपास से तस्करी और शराब पीने के मामले के कुल 11 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। बता दें कि विक्रम थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक में शराब रखी है। इसके बाद बाईपास चौक के पास सघन वाहन जांच प्रक्रिया शुरू हो गई। पुलिस को देखते ही चालक ट्रक को तेज रफ्तार में लेकर आगे भागने लगा। पीछा कर रही पुलिस ने ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली। तस्वीर ने ट्रक को ये करते हुए भी देखा, जिसके बाद तस्करों ने ट्रक में बनाए गए गुप्त स्थान में अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांड के बोतल छुपा रखे थे। तो लगातार बिहार में ये जो छापेमारी है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, और यही वजह है कि एक के बाद एक कई लोगों को अब तक गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। और ऐसा ही एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला अब पटना के पत्रकार नगर से सामने आया, जहां पर ये लड़की जब गिफ्ट कॉर्नर में गिफ्ट खरीदने के लिए जाती है, शॉपिंग करने के लिए जाती है, तो वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी जो गंध है वो महसूस होती है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से वहां पर छापेमारी की जाती है और कई जो बोतल है शराब के वो भी वहां से पाए जाते हैं। बता दें कि जो दुकानदार है वो शराब का इतना लती है कि वो दिन भर नशे में डूबा रहता है, और यही वजह है कि बिहार में शराबबंदी के रोक के बावजूद जिस तरह से इस तरह से शराब पीने के मामले सामने आते हैं, शराब तस्करों के मामले सामने आते हैं, उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है। चौपे चौपे पर छापेमारी की जा रही है और उन सभी लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और यही वजह है कि पटना के एक गिफ्ट शॉप में जब उस लड़की ने इस गंध को महसूस किया, तो उसके तुरंत बाद ये एक्शन पुलिस ने लिया और दुकानदार पर जो कार्रवाई है वो भी पुलिस की तरफ से की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।